हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। मैं रजत अग्रवाल आकाश साव सर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इंजीनियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ अपने CGPSC टेक बाय रजत अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे। ठीक, इस वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि बिग अनाउंसमेंट फॉर रायपुर स्टूडेंट्स फॉर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर अपकमिंग बैचेस रिगार्डिंग CGPSC एंड CG व्यापम AEJEE, इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंजीनियर जंक्शन भिलाई में शुरू किया कोचिंग, तो बिकट क्वेरी आया था हम लोग से रायपुर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से रायपुर स्टूडेंट ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी इच्छा थी ऑफलाइन भी अटेंड करने की, क्योंकि रायपुर में ऑफलाइन कोचिंग की डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो उसका भी वो लोग डिस्कशन करते हैं और बहुत सी क्वेरीज मेरे पास, आकाश सर के पास, निकेश सर के पास और संकल्प सर के पास, जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स हैं सबके पास ये क्वेरी आई थी कि जल्द से जल्द सर रायपुर में के लिए भी एक ठो बैच अनाउंस कर देते। तो हम उसी स्पेशल बैच को अनाउंस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। उस बैच के बारे में फर्दर डिटेलिंग आपको आकाश साव सर बताएंगे। सर थैंक यू रजत सर। तो जैसे कि रजत सर ने बताया इस वीडियो में कि रायपुर वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, तो ये बात तो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं सर। 6-7 सालों से हमारी जो कोचिंग चल रही है उसके बाद हम जो रेगुलर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन तो जुड़े हैं हमसे, या कुछ बच्चे जो रायपुर से उनको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता था, बिलासपुर से शिफ्ट होना पड़ता था, तो अब हम यहाँ पे अपना जो कोचिंग है उसको और एक्सपांड कर रहे हैं ऑन द हैवी डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो रायपुर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। हमारी टीम इंजीनियर जंक्शन, निकेत सर, रजत सर, संकल्प सर, अक्षित शुक्ला सर और मैं, मतलब आकाश साहब, हमने मिलकर डिसाइड किया है कि रायपुर में जल्द ही हमारा ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट होने वाला है। तो रायपुर के ऑफलाइन सेंटर का कैसा स्ट्रेटेजी होगा उसको स्टार्ट करने का, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं रजत सर से। तो रजत सर, जैसा हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चलता है कि डेली एक टेक्निकल और एक नॉन टेक चलता है, तो उसी वे में वहाँ पे भी रायपुर में आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट होगा और एक नॉन टेक सब्जेक्ट होगा, वो रेगुलर चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ की टीम मेंबर है, यहीं के जो इंजीनियर जंक्शन के टीम मेंबर है, यही एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको रायपुर में भी डील करने वाले हैं। और सेम वे में ही चलेगा कि रायपुर का जो आपका ऑफलाइन सेंटर है वहाँ के भी क्लासेस हैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल, जैसा हमारा मॉड्यूल होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मॉड्यूल, इसी मॉड्यूल के तहत रायपुर में भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो रजत सर थोड़ा सा और बताइए, आप रायपुर के बच्चों के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, तो थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस पर। थैंक यू आकाश सर। देखो भाई, रायपुर में सबसे ज़्यादा डिमांड इसलिए है क्योंकि रायपुर भिलाई के बाद सेकेंड एजुकेशन हब कहलाता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़, रायपुर में नालंदा लाइब्रेरी होने के कारण, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ आकाश सर, नालंदा परिसर द गोल्डन बोलते हैं। अगर बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको बख्तियार खिलजी ने बर्बाद किया था, ये सब हमने इतिहास में पढ़ा है और जो कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जब मैं मिडिवल पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। तो फ्रेंकली वैसे ही सेम टू सेम बेस्ट जो स्टडी हब है स्टूडेंट्स के लिए नालंदा लाइब्रेरी, मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ के बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड की थी स्पेसिफिकली इस AEJEE बैच की कि रायपुर में भी खोला जाए। तो रायपुर एजुकेशन हब है भिलाई के बाद क्योंकि नालंदा परिसर वहाँ है फ्रेंकली। और अभी तक जैसा दिखा है, भिलाई से बाद अगर सेकेंडली रायपुर में इतने स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की डिमांड है कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन एक प्रॉपर AEJEE का बैच हो सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ताकि स्टूडेंट वहाँ के पढ़ाई कर सके। देखो, आरक्षण मुद्दा अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फ्रेंकली 0% से भर्तियाँ देखने को मिल रही है। सबसे पॉजिटिव चीज़ है रेलवे की भर्ती RRBJEE और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और साथ ही साथ में जो JEE का 800 पोस्ट है जिसका अभी अभी जानकारी मिला है, जिसका आज मैंने सुबह अपने चैनल पर वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जल्द से जल्द वहाँ बैच चालू करने वाले हैं। उस बैच के में कैसे आपको इनरोल करना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, उसके बारे में अब आपको आकाश सर बताएंगे। सर, तो रजत सर जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी सारे पोस्ट है, अगर आप इस माइंडसेट से बैठे हैं कि नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तभी मैं मानूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद कि सही में आ रहा है और हम सब ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और उसके बाद तैयारी चालू करेंगे तो आप ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद वाला जो पीरियड होता है वो आपको केवल रिविज़न और अपना जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा पॉलिश करने वाला टाइम होता है सर। तो बिना डिले किए आप अभी से, आज से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और काफी सारे जो वेटिंग, मतलब मैं बात कर सकता हूं, जो वैकेंसीज खाली हैं वो सारे अभी पोस्ट आने वाले हैं सभी डिपार्टमेंट में, टेक्निकल्स में।
तो जैसे रजत सर बता रहे थे, आपको अगर रायपुर बैच के लिए इनरोल करना है ऑफलाइन सेंटर में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने गूगल फॉर्म डाल रखा है। वो गूगल फॉर्म में आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी डिटेल वहाँ पे पूछा हुआ है वो फिल कर दीजिए आप और सबमिट कर दीजिए वहाँ पे। वो गूगल फॉर्म के डेटा के बेस पे हम जल्द ही आपको अनाउंस करेंगे हमारा जो नया क्लासरूम है वो कहाँ पे है, और आपका जो पहला सब्जेक्ट चालू होने वाला है कौन से सर करेंगे, टेक्निकल में और नॉन टेक में कौन से सर करेंगे, उसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम रायपुर में आपके लिए लेके आ रहे हैं टीम इंजीनियर जंक्शन सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। वहां पे एई और जेई का बेस्ट कोचिंग हम लेके आ रहे हैं रायपुर में। तो भूलना ना आप यहां पे जो गूगल डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है गूगल का आपका लिंक, वहां पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये जो अपकमिंग बैच है उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे रजत सर आप इसमें? जी थैंक यू आकाश सर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंजीनियर जंक्शन के आपको नंबर दिए जाएंगे, फ़ोन नंबर, आप वहाँ पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना? ठीक है, अभी आकाश सर और इसके बारे में बताएंगे सर। तो जैसे रजत सर बोल रहे हैं वो सही बात है, अगर आपको गूगल फॉर्म में या आपने कभी नहीं भरा है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो नंबर दिए हुए हैं, और भी मल्टीपल आप हमारे से कांटेक्ट करने के अप्रोच कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे आप सर्च करेंगे इंजीनियर जंक्शन भिलाई, तो हमारा वेबसाइट है, वहां से आप हमारे डेमो लेक्चर्स और पूरे यहां तक कनेक्ट हो सकते हैं। गूगल प्ले में हमारा एप्लीकेशन है इंजीनियर जंक्शन का मोबाइल ऐप, वहां से भी डाउनलोड करके आप हमारे जो ऑनगोइंग बैच है उसके फ्री वीडियोस देख सकते हैं, और जो भी रिगार्डिंग अपकमिंग चैनल में जो हमारे आते हैं, क्या हमारा आगे का स्कीम है, कब टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, कब कौन सा बैच, कब कौन सा सब्जेक्ट, तो ये सब चीजों की जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको रेगुलर यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसीज और जो भी यहाँ पे चलता रहता है छत्तीसगढ़ में रिगार्डिंग जॉब्स उसके अपडेट हम यहाँ पे देते रहते हैं। सो थैंक यू रजत सर, जल्दी मिलते हैं फिर रायपुर ब्रांच के साथ। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम।